नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनआई न्यूज। जेएनआई न्यूज में आप सबका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से, बिजली गिरने से लिंटर से लेकर फर्श तक चटका है। घर में रखा बिजली की सामान जलकर हुआ खाक। आपको बता दें, बरेली फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के सोरवा में दो घरों में देर रात बिजली गिरने से लाखों रुपया का नुकसान हुआ है। बिजली गिरने से घर में रखा सारा बिजली के सामान जलकर राख हो गया है। इसके साथ ही घर की ममटी से लेकर दूसरी मंजिल और ग्राउंड फ्लोर तक का फर्श चटक गया है। घर में रह रहे लोग बाल बाल बच गए। घटना गांव में चर्चा का विषय बनी हुई है। सुरवा गांव की रहने वाली नूर बानो पत्नी स्वर्गीय मोहम्मद अहमद ने हमारे संवाददाता से क्या बातचीत किया, आइए आपको मोह जवानी सुनाते हैं। बरेली मंडल ब्यूरो चीफ राजकुमार कश्यप की इस खास रिपोर्ट में। हम आपको बता दें, इस समय बरेली के कस्बा फतेहगंज पश्चिमी के क्षेत्र के गांव एक सोरा में है, जहां बीती रात तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के साथ एक आकाशीय बिजली गिरी है। जिस बिजली के गिरने से आपको मैं दिखा दूँ, चौखट का मोमटी का दरवाजा गिर गया है, लिंटर में सुराख हो चुका है, नीचे जाकर कई बिजली के उपकरण जल चुके हैं। आइए हम उन परिवार के परिजनों से बात करते हैं कि क्या नुकसान हुआ है और कैसे कब उनको क्या पता चला। क्या नाम है आपका? और जो रात ये बारिश के साथ आपके यहाँ बिजली गिरी है, वो क्या घटना थी, कैसे हुई, किस समय हुई, इसके बारे में जानकारी? धुआं था, इसके कारण हम घबरा कर घर से बाहर भागे और हमारे पड़ोस के लोग भी घर से बाहर आ चुके थे। उन्होंने देखा कि हमारी छत पर बिजली गिरी है, इस कारण हम बहुत घबरा गए थे और हमारा काफ़ी नुकसान हुआ। इस बिजली गिरने में आपका क्या क्या नुकसान हुआ और आपके परिवार में कितने लोग हैं, जो किस कमरे में सो रहे थे और बिजली जो गिरी थी वो किस कमरे की छत पर बिजली हमारे दूसरे फ्लोर पे गिरी है। हम नीचे सबसे नीचे वाली बिल्डिंग में सो रहे थे और हमारी माता जी जो है वो दूसरे तरफ सो गई। ये बिजली ने हमारे दूसरे फ्लोर का पूरा लिंटर डैमेज कर दिया है।